और इधर बीते दिन वैशाली के महनार में अपराधियों ने मोहम्मद मुस्लिम की बेटी को हत्या कर दिया था। आज उन सुकाकुल परिवार से पप्पू यादव मिलने पहुंचे और डीजीपी से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। लगातार इस तरह की वारदातों में पप्पू यादव परिवारों के साथ खड़े दिखते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता हो या मानसिक सहायता हो ये देने को हमेशा तैयार रहते हैं। अभी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव महनार पहुँच करके और अपराधियों के हौसलों को तोड़ने के लिए उन्होंने डीजीपी से मिलकर न्याय दिलाने की बात कही है और साथ ही साथ परिवार से मिलकर के उन्हें हर संभव सहायता करने की भी बात कही है। अम्मी कांड रही है तो हम घर पे आए, मां जब देख क्या हुआ, सलवा पापा के ले गया हमको पिस्तौल भिरा के, हम लोग का खोज बिन करते करते हम लोग भाग गए। भागने के बाद बउआ गए राजा एप्लीकेशन लिखे इसको ना यार, हर तरफ मौत, सरकार आश्रम क्वारंटाइन, पूरी राजनीतिक व्यवस्था चुनाव में और पूरी बिहार के हर घर पे लाश, अपराधियों के द्वारा, बलात्कारियों के द्वारा, बाढ़ से, कोरोना से, मतलब मुझे लगता है कि 2020 बिहार का कोई घर नहीं बचे। इतना बड़ा दुस्साहस कोई हो, इतना बड़ा दुस्साहस, घर से बच्ची को उठा के ले जाके बलात्कार करके मार देना, इससे बड़ी घटना दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी घटना, मैं बार बार कहता हूं, इस बिहार का नाम इन नेताओं ने, इस सिस्टम ने, रेपिस्ट बिहार, मर्डरर बिहार, करप्ट बिहार, डिजास्टर बिहार, कंप्लीट रूप से कोलैप्स बिहार। अब कौन सुरक्षित? माँ को गोली के नोक पर बैठा देना और बेटी को उठा के ले जाना, अब कौन सुरक्षित? अभिलंब थाना प्रभारी को बर्खास्त, SIT से जांच, 3 महीने के अंदर चार्जशीट, परिवार को सुरक्षा, सरकार के तरफ से परिवार को मुआवजा और 6 महीने के अंदर सजा। हर प्रश्न माइनर बच्ची थी, पास्को एक्ट अभिलंब, इसलिए हम लोग कल DG से मिलेंगे। एक घटना नहीं, कई घटना को लेकर बिहार के जो हालात हैं उसमें, और मिलकर हम SIT जांच की मांग करेंगे। जरूरत होगा तो ऐसी घटना, मुझे आश्चर्य है कि मीडिया ट्रायल इस घटना की आज तक क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? मीडिया कहां चुप है? और जिस घटना में मीडिया ट्रायल नहीं होता है वहां नेताओं की चूर नहीं चलती। मुझे ऐसा